ये बॉलीवुड के कुंभकर्ण है, सो रहे थे या सुला दिया गया, ये तो सल्लू भाई बता सकते हैं। अपनी ऐसी तैसी करा के बैठे हैं मिस्टर विवेक ओबराय, कहीं के नहीं रह गए हैं। वैसे भी विवेक काफी टाइम से ना घर के रहे ना घाट के, कहते हैं कि इक्का दुक्का फिल्में इन्होंने छोड़ी, कुछ ने इन्हें छोड़ा और कुछ तो ऐसी भी हैं जिसमें हाँ करने के बाद भी इनका रातों रात टिकट कट गया और ये फिल्म से गायब हो गए। ऐसा एक झटका मिल चुका है इन्हें फिल्म हम तुम में। अब आप सोच रहे होंगे दिस चप्पू इन हम तुम, हंस लो यार, इनका तो जन्म ही हंसाने के लिए किया है, ये बुरा नहीं मानते। पर उससे पहले कहानी तो सुन लो जी। इस फिल्म के लिए पहले अप्रोच किया गया आमिर को, फिर ऋतिक को, मगर ये दोनों ही फिल्म नहीं कर पाए। फिर पता नहीं क्या सूझी फिल्म के डायरेक्टर कुणाल कोहली को कि उन्होंने विवेक को अप्रोच किया, मगर जो हुआ उसके बाद सबको ये पता चल गया कि चंद का ऊपर का माला हिला हुआ है। विवेक ने पहले हाँ किया, फिर ना किया, फिर हाँ किया, फिर ना किया, पर क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। विवेक ने थर्ड टाइम हाँ कर दिया, मगर इस बार परेशान होकर कुणाल ने ही ना कर दिया। हो हो। सुना है इस फिल्म के ना मिलने के पीछे इनके और रानी के तवे पे गरम हुए रिश्ते भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार थे। खैर जो भी हुआ, मगर जीरो तो यही बनी ना एंड में। हम तुम बनी इतनी बड़ी हिट और सैफ अली खान ले गए बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड। इस इंसिडेंट के बाद चंदू की सारी हेकड़ी निकल जानी चाहिए थी, मगर नहीं। सुना है कई बार इनके बिहेवियर के लिए इन्हें फिल्मों से आजाद किया जाता है। अब यार असल जिंदगी में ही तुम माया डोलास बन जाओगे तो बाकियों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? खैर इस बंदे ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं और ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि यह ऐसा करने में उस्ताद हैं। तो जी बस वेट चल रही है, जल्दी से कुछ नई कॉन्ट्रोवर्सी ले आओ विवेक बाबू, दर्शन हुए बहुत टाइम हो गया। अरे चंद अब क्या नाटक करने वाले हो बंदो। एट नंबर 2 ऑन जबरदस्त इन कार्स इज विवेक ओबेरॉय।